sorry, it's DJ. नंबर वन। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हिमालय के बारे में। हिमालय संसार के पर्वतों में सबसे ऊंचा है, इसे गिरिराज भी कहते हैं। संसार की अधिकांश ऊंची पर्वत चोटियां हिमालय में ही स्थित है। संसार का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय की ही एक शिखर है। भौगोलिक रूप से हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। यह पर्वत श्रृंखला भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करती है। हिमालय पर्वत पांच देशों की सीमाओं में फैला हुआ है। वह देश हैं भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और चीन। हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर और क्षेत्रफल 6,12,021 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हिमालय श्रेणी में 15,000 से ज़्यादा हिमनद हैं जो 12,000 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। हिमालय की ऊंचाई चोटियां और दिल को हरने वाली घाटियां बहुत प्रसिद्ध हैं और वहां का वातावरण इतना अच्छा है कि वहां पे कोई भी इंसान जाना चाहेगा। उसके आसपास में रहने वाले लोग तंदुरुस्त और अच्छे तरीके से रहते हैं। हिमालय में सबसे बड़ी कश्मीर की घाटी है। कश्मीर को धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। इसमें स्थान स्थान पर फूल खिले रहते हैं। नंबर टू। दोस्तों अब हम जानेंगे कैलाश मानसरोवर के बारे में। भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत के पास स्थित है कैलाश मानसरोवर। यह अद्भुत स्थान रहस्यों से भरा हुआ है। कैलाश पर्वत दुनिया का चार मुख्य धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का धार्मिक केंद्र है। अब हम जानेंगे इसी की कुछ खास बातों के बारे में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहां प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भरकर धरती पर लाते हैं। निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्यु लोक है, ऐसा कहा जाता है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय जहां इसकी महिमा का गुणगान किया गया है। कैलाश पर्वत पर साक्षात भगवान शंकर विराजे हैं, जिसके ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है। इसकी बाहरी परिधि 52 किमी है। मानसरोवर पहाड़ों से घिरी झील है जो पुराणों में क्षीर सागर के नाम से वर्णित है। क्षीर सागर कैलाश से 40 किमी की दूरी पर है। वह इसी में शेष शया पर विष्णु व लक्ष्मी विराजित है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों अब हम जानेंगे कैनिबलिज्म के बारे में। कैनिबलिज्म यानी कि नरभक्षी, और नरभक्षी यानी कि वो इंसान जो अपनी भूख के लिए दूसरे इंसानों को खाते हैं। ये प्रजातियाँ हमारे हिंदुस्तान में यानी कि भारत में अंडमान निकोबार आइलैंड के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। अंडमान निकोबार के कुछ आइलैंड्स पर ये प्रजातियाँ रहती हैं जो कि अपने भूख के लिए अगर कोई दूसरा इंसान उन्हें दिखे तो वो उन्हें भी खा जाती है, और इसी चीज़ को कहा जाता है कैनिबलिज्म। और वो इतने खतरनाक होते हैं कि वहाँ वो जिस जगह पर रहते हैं वहाँ लोगों को जाना मना कर दिया गया है, और उनकी जगह के बाहर एक घेरा बना दिया गया है ताकि कोई उनकी जगह को पार ना कर पाए। इस वजह से कोई इंसान उनकी जगह पर नहीं जाता, और जो जाता है लोग कहते हैं कि वो वापस नहीं आते।
जहरीला सांप है।